जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है। हो उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है, देती है जग को जियारा, खुद बाती बन जलती है, अपनों के नाम कर जाती है। हो हो अपनों के नाम कर जाती है, सारा जीवन अपना बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या 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 हमारी बेटियाँ। बात तो तुम सही कह रही हो पूजा, फिर भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तृष्णा के पास उसके घर वालों का कोई सहारा नहीं है। भले ही आपकी जबान हमसे झूठ बोल सकती है, मगर आपकी आंखें नहीं। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, मैं कल्याणी के गया था उसे एक बार फिर से समझाने के लिए कि शायद वो समझ जाए और तुमको घर वापस बुला ले। कैसी है मेरी बच्ची, तुझे देखने के लिए आंखें तरस गई थी। हम ठीक है दादी। पापा, पापा, इतने दिनों के बाद आपसे मिलने आई हूँ, पर क्या करें, काम में बहुत बिजी थे, इसलिए वक्त ही नहीं मिल पाया आपसे मिलने का। हर रोज सोचते थे कि आज आपसे मिलने आएंगे, अभी आपसे मिलने आएंगे, पर मिलने आ ही नहीं पाते थे। तो क्या हुआ बेटा, आज आ गई हो ना, हम बहुत खुश हैं। पता है माँ आपको, आज भी बहुत सारा काम पड़ा था। लेकिन माँ जी ने और अपूर्व ने हमसे कहा कि काम तो होता ही रहेगा, पहले घर जाकर पापा से मिलकर आ जाओ, और पापा के ऊपर भी तो हमारी कोई जिम्मेदारी है, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। और पता है पापा, सब हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, कुछ जरा सा होता नहीं है हमें कि सब दौड़कर हमारे पास चले आते हैं। सच में बहुत अच्छा परिवार है हमारा, हमसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी बेटी जो कभी भी झूठ नहीं बोलती, वो आज मेरे लिए इतना बड़ा झूठ बोल रही है। लेकिन किस लिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्वती को पता चल गया हो कि मैंने कल रात उसकी और आकांक्षा की सारी बातें सुन ली है? पापा पता है आपको, जब हम यहाँ आ रहे थे ना, तो माँ जी ने हमसे कहा कि खाली हाथ घर मत जाना, कुछ मिठाई लेकर जाना। लेकिन फिर हमने सोचा कि मिठाई से अच्छा है कि हम आपके लिए हलवा बनाकर लेकर आए। वैसे भी आपको हलवा बहुत पसंद है ना, इसी बहाने आप हमारे हाथों का हलवा भी खा लेंगे। आप हलवा लेकर आई हो? हाँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पापा के लिए। ऐसा क्यों भला, अब हम आपके हाथों का बना हलवा नहीं खा सकते? ठीक है, तू भी हलवा खा लेना, तू भी क्या याद रखेगी किस रही से पाला पड़ा है। बेटा इतना प्यार से पापा के लिए लाई हो तो खिला भी दो ना। जी माँ। पापा ये लीजिए, चलिए अब गर्मा गर्म हलवा खा लीजिए आप।
माँ आप भी लीजिए ना दादी। आकांक्षा आना तू भी हलवा ले। हाँ दीदी। तुम्हारे हाथ के बने हलवे को मैं आंख बंद करके सिर्फ खुशबू से पहचान लूंगा पार्वती। तुमने ये दिखाने के लिए कि तृष्णा अपनी ससुराल से आई है ये गरम हलवा उसे बना कर दिया है। मैं सच में बहुत खुशनसीब हूं कि भगवान ने मुझे इतना समझदार परिवार दिया। सब अपनी अपनी परेशानियों से परेशान है और तृष्णा, तृष्णा की तो जैसे जिंदगी ही खत्म सी हो गई है, फिर भी अपना दुख छिपाकर सब मेरे लिए खुश होने का नाटक कर रहे हैं, तो मुझे भी इन्हें खुश करने के लिए खुश दिखना होगा, इनकी तरह अपना दुख छिपाना होगा। क्या माँ कितनी तेज लग गई है, किसने कहा था हिरनी जैसे भाग के आने के लिए, आराम से भी तो आ सकती है। अच्छा मैं हिरनी की तरह आ रही थी कि आप ऐसा लग रहा है जैसे तूफान आ गया हो। तूफान तो आएगा ही, वो भी तृष्णा की जिंदगी में, और हमें तो तूफान के गुजर जाने के बाद उसकी बर्बादी का तमाशा देखना है। पहेलियां बुझाना छोड़ो माँ, और ये बताओ कि ऐसी कौन सी बात थी जो बताने के लिए आप दौड़ी चली आ रही थी। मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया है जिसे तृष्णा पल भर में पेपर साइन कर देगी। आइडिया? कौन सा आइडिया? अब तक जितना मैंने तृष्णा के परिवार वालों को जाना है उससे ये पता चलता है कि उन लोगों में बहुत प्यार है, और किसी बात से किसी दूसरे को दुख पहुंचता है या परेशानी होती है तो वो बात पूरा परिवार वाले उससे छुपाते हैं या उसको नहीं बताते हैं। समझी? नहीं समझी माँ। बेवकूफ, इतना भी नहीं समझ रही है? हाँ? आजकल दीपक की तबीयत खराब है और मुझे पूरा यकीन है कि तृष्णा को निकाले जाने वाली खबर उन लोगों ने दीपक से छुपाया होगा। बस यही कमजोर कड़ी है, उन लोगों को दीपक को यह बात बताने की अगर मैं धमकी देती हूं तो तृष्णा पेपर पे जरूर साइन करेगी। तो आप उनको धमकी देने उनके घर जाएंगी? और अगर एक बार उनके घर जाने से मेरे बेटे का जीवन सुधरता है तो ये सौदा बुरा नहीं है। लेकिन तो मौका मिलने पे मैं अपने तरीके से उसे समझा दूंगी, उस मनहूस तृष्णा से अपने बेटे का पीछा छुड़ाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, किसी हद तक जा सकती हूँ। बस उस तृष्णा का मेरे बेटे के नाम से
अलग होना चाहिए। बेटा मैंने तुम्हें कितना समझाया लेकिन तुम बिल्कुल माने नहीं। बेटा एक दिन, सिर्फ एक दिन तू यहाँ रुकती तो हमें कितना अच्छा लगता। बेटा माँ, कुछ देर के लिए रुके या पूरे दिन भर, बात तो एक ही है ना। वैसे भी अगर हम यहाँ रुकेंगे तो उन लोगों का लगाया हुआ इल्जाम सच साबित हो जाएगा, इसलिए प्लीज हमें यहाँ रुकने के लिए मत कहिए। कृष्णा, जब भी मैं ये सोचती हूँ कि घर होने के बावजूद तुमने मंदिर में अपना ठिकाना बना लिया, ये सोच कर ही मेरा कलेजा मुंह को आता है। वापस आ जाओ बेटा, घर वापस आ जाओ। और नहीं तो क्या? बेटा तुम उन लोगों को सच कहने की कोशिश कर रहे हो जिन्होंने सिर्फ झूठ और झूठ का सहारा लेके तुम्हें घर से बाहर कर दिया, तुम पर अन्याय किया। बेटा वो तुम्हारा सच कभी नहीं समझेंगे। सच नहीं समझा तो ना सही माँ। वैसे भी जो हमारे भाग्य में लिखा है वो तो होगा ही ना, हम अपने भाग्य से लड़ तो नहीं सकते ना। अगर हमें जिंदगी भर झूठा इल्जाम लेकर जीना है तो यही सही। तुम भी ना आकांक्षा की तरह जिद्दी हो गई हो। आज जो तुमने किया ना, तब जब तुम इतनी परेशानी से जूझ रही हो, वाकई में कोई नहीं करता। ये सब करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए बेटा। माँ, ये काम हर वो लड़की कर लेगी जिसके माँ बाप आप जैसे हो। और हमने कोई अनोखा काम नहीं किया है माँ। सच दीदी, आपके आने से पापा के चेहरे पे रौनक वापस लौट आई। पापा बहुत खुश हैं। मैं अभी आती हूँ बेटा, तुम रुको, मत जाना। जी माँ। अच्छा दीदी चलो, मैं आपको छोड़ देती हूँ। तुझे तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं, हम अपने आप चले जाएंगे। कृष्णा बेटा ये भाई साहब को देना। माँ ये क्या है? इसमें हलवा है बेटा, भाई साहब को देना और तुम भी खा लेना। माँ इसकी क्या जरूरत थी? बेटा कुछ काम ना जरूरत के बिना होता है। ठीक है माँ, अब हम चलते हैं, वैसे भी काफी देर हो चुकी है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। जी माँ। चलिए दीदी, मैं आपको रिक्शे तक छोड़ देती हूँ। चलते हैं। जाओ बेटा। क्या हो रहा है? सोच रहा था घर से तृष्णा बिटिया थकी हुई आएगी तो क्यों ना शाम की पूजा के लिए माला मैं ही बना लूं। अरे लाओ, मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर देता। हाँ हाँ, क्यों नहीं? इस बहाने मेरा भी मन लग जाएगा।
वरना तृष्णा के जाने के बाद से तो बहुत खाली खाली लग रहा है। तृष्णा को अपने घर जाकर और सबसे मिलकर कितनी खुशी हुई होगी ना। हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं तृष्णा के घर वाले और बहुत अच्छे संस्कार दिए उन्होंने अपनी बेटियों को। मैं तो बस भगवान से ही विनती करता हूं कि अगले जन्म में तृष्णा मेरी बेटी होकर पैदा हो। बाबूजी। अरे तुम आ गई बेटी, कैसे सब लोग हैं वहां पर? तुम्हारे पापा कैसे हैं? घर पर सब लोग ठीक है और हमने अपनी बातों से पापा को यकीन दिला दिया है कि हम अपने ससुराल से आ रहे हैं और ससुराल में बहुत खुश है। तृष्णा बेटा बिल्कुल निराश मत हो। अरे आज जो कुछ अपने पापा से तुमने झूठ मूठ कहा है हो सकता है कल वो सच हो जाए और तुम सचमुच अपनी ससुराल वापस चली जाओ, है ना बेटा? अच्छा बाबूजी, माजी ने आपके लिए और काका जी के लिए हलवा भेजा है, गर्मा गर्म है, खा लीजिए। ठीक है बेटा। और हम पूजा की तैयारी कर लेते हैं, शाम होने वाली है वरना देर हो जाएगी। चलो पूजा के बहाने ही सही, तृष्णा बिटिया का मन तो लग जाता है। तुम्हारी माँ से मिलने आई हूँ। माँ घर पे ही है कि मंदिर गई है अपनी बेटी के आंसू पोछने? आंटी जी आप कल्याणी बहन आप? आश्चर्य हुआ ना? मुझे भी हुआ था जब मैंने यहां आने के बारे में सोचा था, लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है इसलिए मुझे यहां आना पड़ा। नहीं नहीं, इसमें आश्चर्य की क्या बात है, आपका ही घर है, आप जब चाहे आ सकते हैं। हे भगवान, वैसे आप लोग ने ये सब चिकनी चुपड़ी बातें कहां से सीखे हैं? हाँ, थकते नहीं हो नाटक करके? वैसे मैं आप लोगों से मिलने नहीं, भाई साहब से मिलने आई।
कहाँ है वो? जी वो अपने कमरे में है। ठीक है, मैं उनसे उनके कमरे में ही जाकर मिल लेती हूँ, मुझे उनसे ही जरूरी बात करनी। दीपक से क्या बात करनी है? जो बात करनी है हमसे करो, ऐसे भी दीपक की स्थिति वो नहीं है कि वो तुम्हारी बात। जानती हूँ, इसीलिए तो ये बताने आई हूँ कि उनकी इस हालत का फायदा उठाकर उनकी बेटी क्या क्या गोल खिला रही है। अरे उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि जिस संस्कार का ढोल पीटकर अपनी बेटी को मेरे दरवाजे तक छोड़ के गए थे, उनकी बेटी मंदिर में बैठकर मेरे नाक में कितना दम कर रही है। आज तो ये बात मैं भाई साहब को बताकर ही दम लूंगी। नहीं नहीं बहन जी, ऐसा मत करिए, इनकी तबीयत अच्छी नहीं है। ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे? मतलब आप लोगों ने अभी उनको ये बताया नहीं है? नहीं नहीं बहन जी, हमने अभी तक उनको कुछ बताया नहीं है। अगर उनको पता चला कि तृष्णा को अपने ससुराल से निकाल दिया गया है तो ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पति की चिंता है हा? लेकिन मेरे बेटे की चिंता नहीं है। बहुत हो चुका, बहुत चुप रह ली। आज तक तृष्णा ने तलाक के पेपर पे साइन नहीं किया है और ये बात आज मैं भाई साहब को बताकर ही निर्णय लूंगी। सच कर दे हर सपना सुकन्या।